हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, सुबह के बजे हैं 7 और अभी मैं होंगी तैयार और अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैंने बाल भी बना लिए हैं और आज मुझे बुला रखा है नानी ने। देखती हूँ वहाँ क्या प्रोग्राम है नानी के घर। और दोस्तों, बिटोली का महीना भी आ रखा है और इसलिए नानी ने मुझे बुला रखा है। आइए देखते हैं, नानी के घर प्रोग्राम भी है, दिखाते हैं आपको नानी के घर। तुम लड़की बुला बुला था ये। आज मेरा भाई बड़ा पंडित बना है, नामकरण करने के लिए तैयार हो रहा है। बच्ची की है नानी, पूरी ले के लिए जाना भाई, पूरी फिर वहाँ गोड़ जाला। है मिला जो कौन बच्ची का नाम कौन में ठीक है कि बछड़े के नामकरण की तैयारी हो रही है और छोटा भाई कर रहा है तैयारी। शुरू कर दे रे, आज गाय का नामकरण है बछड़े का और नानी ने मुझे भी बुलाया है। नानी बता रही है कि मेरी मामी है, ये तैयारी करने में लगे हैं सुबह से। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, गाय के बछड़े के नामकरण में भी पहुंच जा रही हूँ मैं अपने नानी के घर। देखो पहले अच्छी तरह डुबा ले तू। मशीन में भी पीछा लगा के इसमें भी एक
घंटी तो यहाँ ले देखो मीर यहाँ ले चाहिए अच्छा अच्छा नीचे बैठ के अरे सब गिर गो मामा आरती ऐसे करना उसी का बत्ती की आरती हाँ मैं जा रही हूँ भैया के साथ गाय के बछड़ी का नामकरण में गौशाले में और भैया ले जा रहे हैं सामान और पीछे से अभी मामी भी आएगी देखो हाथ में पानी की बाल्टी है और संख्या है घंटी है अभी पूजा करेंगे नामकरण करेंगे और सब ठीक ठाक देखो पुराने घर अभी भी लोगों ने अपनी संस्कृति को कायम रखा है और ये देखिए ये मेरे नानी का गौशाला है पहले घर था ये अभी भी सुरक्षित है बहुत अच्छा अभी भी उसमें कोई वो नहीं हुआ है अभी भी आते हैं देखते हैं देखभाली करते हैं साफ सफाई करते हैं ये देखो दोस्तों छोटी सी बच्ची देखो आज इसका नामकरण है और नानी और मामी लोगों ने मुझे बुला रखा है देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ले 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 अभी इसके नामकरण करेंगे ये देखो पहले उसकी माँ को पीठा लगाते हुए फिर बच्ची को पीठा लगा रहा है भैया देखो जिसका नामकरण है बस चले गया हाँ ये उसको माला पहना दी है अरे बच्ची माला पहना दी पीठा भी लगा दिया खाने को बोल रहा हो तभी आ रहा है ये किसमें लगाना है जहाँ बच्ची हुई थी उस गोट या तो गोट कहते हैं यहाँ पे हमारे पहाड़ में वैसे
उस रूम में जहाँ बच्ची हुई थी, देखो यहाँ हुई थी। अरे उजाला कर। हेलो कहाँ चले? हेलो बाहर चले जाबे। अरे तुम जाओ अब उजाला कर दो। इसमें ले जा। मिठाई था सब इसमें। सब पिठा चंदन फूल सब चढ़ा। इतनी बच्चे का बदन वाला ना। अच्छा अच्छा मामी कह रही थी यहीं पर ही गाय ने अपनी बच्ची को जन्म दिया है और यहीं पे पूजा करते हैं। अब हमारी गौशाला में रूम में हो गई पूजा, गाय के रूम में हो गई पूजा। अब कमर मतलब दर्द कर रहा है। तो हॉस्पिटल में सही हो गया या नर्स वालों के पास ले जाना पड़ेगा? वो तो यहाँ नहीं है कोई नर्स वाला। वो तो गरुड़ तो यहाँ को नहीं बात करनी है। कम की बात नौला पूजन करते हैं। मामी और भैया नौला पूजन को जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ उनके पीछे पीछे। नौले में भी हमारे पहाड़ में देखता रहते हैं। यहाँ भी शिव जी विराजमान रहते हैं नौले में भी। यहाँ पे नौला पूजन करीठा अक्षत चंदन जितना बच्चे को चढ़ा रखा है यहाँ वैसे ही यहाँ भी करेंगे। अच्छा अच्छा हो होई यहाँ क्या कर रहा?
पानी ले जाते थे यहाँ से। हाँ ना, पीने वाला यहाँ से। अब पहले से पानी भी थोड़ी होने वाला था, वहाँ से लेते थे नहाने वाला भाई के लिए। ये इसमें इसमें भी है, ये भी नाला है। देखो अच्छा है। अच्छा गाय आई भी आती है। मैंने तो जब बचपन में ना बहुत छोटी छोटी थी मैं, मतलब तब तो स्कूल भी नहीं लगाई थी मैं, दो तीन साल की होंगी मैं, तब मैंने यही देखा था। गोद में लाती थी ना मम्मी, तो यही देखा था मैं ये वाला। अच्छा ये जो इसमें जो पानी है फिर ये, अच्छा ये बाद में बना होगा, फिर ये तब नहीं बना था। ये अभी मैं घर को और हो गया गा के बछड़ी का नामकरण। दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके बताना, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।